तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज हमारी पहली क्लास है हॉस्पिटल में न्यू सेमेस्टर की। तो अभी हॉस्पिटल जाना है, इधर भाई से अरम भाई के इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन चेंज है। तो हम मिल के जा रहे हैं, न्यू हॉस्पिटल है ना, तो पता नहीं कौन से, लेकिन जिसमें पहले जाते थे उसमें तुम्हारी क्लास ही नहीं, हॉस्पिटल चेंज हो गया। तो अभी चलते हैं, जाके दिखाते हैं आपको क्या सीन है और कितना सफ़र है। इधर तो मैप पे 45 मिनट शो हो रहा है, तो इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाना है। तो और 1 घंटा रहता है, मैडम ने बोला था 1 घंटे 1 बजे से पहले आ जाना। अभी 12 बज गए, तो हम आराम का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद चलते हैं। और शाम को हम क्लास ले जाएंगे, फिर एयरपोर्ट भी जाना है तो अब्दुल्ला भाई को लेने हैं। अगर हमें लेट होगी तो फिर अवैस भाई चले जाएँगे, नहीं तो हम भी साथ जाएँगे। अभी ना मैं व्लॉग की वीडियो बंद करने लगा हूँ क्योंकि मैंने वो चला रहा हूँ मैप, तो रजाक साहब को मैप चलाना नहीं आता, इसलिए मैं अपने फ़ोन पे चलाना है। तो इंशाल्लाह आगे जाके बनाएंगे जब बस में बैठ गए। तो अभी हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, मे भी 1-2 बजे या 3 बजे काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, मज़ा आएगा स्नोफॉल में। रजाक, वैसे आपसे पर्सनली बात है, बर्फबारी में मज़ा आता है? दिमाग कभी सही होया है जगह? तो राह तू कह रहे हैं मेरा दिमाग खराब है। तो अभी तक गर्म पाए नहीं आया, तकरीबन 10-12 मिनट हो गए वेट कर रहे हैं उसका। तशरीफ ला के, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक तैयारी आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब अरम भाई को भी ले जाते हैं, 1 घंटे के सफर के दौरान जलील करते हैं बसों पे। राग साहब आ जाओ चलें। थैंक यू फॉर वेटिंग यार जान। नो प्रॉब्लम ब्रो, दिस इज अ फर्स्ट टाइम न्यू लोकेशन, तो बनता है इतना। ये देखें बर्फ अभी तक नहीं खत्म हुई। आज हम मैप के चले तो हमें न्यू न्यू रस्ते घुमाए मैप ने। रजाक साहब कैसे बब्बू बच्चे मांगे, यूनिवर्सिटी पहले दफा जा रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जाते हैं। हम बहुत खेल में होंगे लेकिन मेरा कोई मेरा सिर बना रहा नहीं। मैं तो ना फील हो रहा है कि जैसे हम आउट ऑफ कंट्री आ गए, शहर ही ख़त्म हो गए। दूर दूर तक कोई हम निशान नहीं किसी चीज़ का, ना इधर तक ना उधर। अभी घर सीखा के जल्दी आने आज थोड़ा लगा कि हम सब कुछ खाते हैं, हमें अब्दुल्ला डॉक्टर गाइस हमारा ना लेक्चर हो गया हॉस्पिटल वाला, तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। लेकिन अभी क्योंकि काम हम जाके लिखना है बच्चों की तरह, हमेशा जान छूट गई है। अभी हमें कच्ची सेमेस्टर में फिर लिखना पड़ेगा, कच्ची वाले बच्चों की तरह हमें काम मिल गया है। अभी जाके वो लिखेंगे, लिख के फिर जा रहे हैं हम अब्दुल्ला भाई को लेने। तो शाम 7 बजे की डेडलाइन है, तो अभी छुट्टी हमें मिली, हम फौरन जा के लिखते हैं
और लिखने के फौरन बाद ही हम जाके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो अभी बस हमें बस जल्दी जल्दी मिल जाए तो हमें फिर कोई मसला नहीं होगा। माशाल्लाह से मेरे क्लास वाले वो फिर रहे हैं, तो इधर देखो कुछ भी नहीं है, सारा जितना वी आई पी मॉल है इधर। तो आपकी कैसी रही ऐसे क्लास होती है पहली क्लास की, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेढ़ घंटे का सफ़र करके और बाद में बोलेंगे भाई इंट्रोडक्शन क्या अल्लाह हाफिज़। ये हमारे लिए अच्छा है ना, ये हमारे लिए अच्छा है कि अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर हम सुनकर बहुत बुरा लगा यार। एक घंटे की क्लास सही है, एक घंटा क्लास दो आपसे घर जाओ कोई और काम। एक घंटे की क्लास के लिए डेढ़ घंटा सफर करना पड़ता है, डेढ़ और डेढ़ तीन घंटे। और आज अभी तक इन्होंने हमें चलो कुछ नहीं होता, एंजॉय करो, ये बस है, ये बस ये हम है। गाइस हम लोग फुल तैयार हो के अब्दुल्ला को लेने जाने के लिए छह बज गए, तो ये शहजादे चाय पी रहे हैं, इनकी चाय खत्म हो जाए तो हम लोग चलते हैं अब्दुल्ला साहब को लेने के लिए। ये देखें गिद्दड़ बना हुआ है अब्दुल्ला साहब अभी तो होंगे, तो टेक ऑफ होने के बाद कुछ देर तक पहुंच हमारे एक घंटे बाद हमारे पास पहुंच जाएगा। गाइस हमारा न्यू ईयर रेवोल्यूशन चल रहा है, अभी न्यू ईयर रेवोल्यूशन चल रहा है कि हम लोग अब पूरा साल इसी तरह रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। रमान भाई आजकल फौजी बने हुए हैं, सभी शर्टें डाल के अंदर ऐसे इसे क्या बोलते हैं अंदर करने को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी, हाँ जैसे ये इसने बोला है। देखिए गाइस हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी ये कमजोर सी है, तो घबराना नहीं आपने बिल्कुल ही। और हमने रजाक भाई को तर्जमान रखा हुआ है हमारा, हमें तर्जमे करता है हमारे जो, ठीक है, ट्रांसलेशन इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश रशियन ये समझ लेते हैं। और इसे रशियन लोग बहुत ही पसंद है, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है ना, बहुत ही लाइक्स वेरी मच, ठीक है ना, बहुत 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 इश्क वाले बंदे हैं भाई हमारे रजाक भाई, सर सादा बंदे हैं। रजाक हमने कब दिखा, रजाक ने चाय खत्म कर ली और तुम मजे, और ये तुम्हें ऐसे यार जल्दी पी या लेट हो जाए। गाइस मेरा न्यू ईयर रेवोल्यूशन चल रहा है, क्या इस ईयर में चाय बिल्कुल ऐसे करते हैं। देखें गाइस न्यू ईयर, अब जैसे आप गर्म चाय पीते हैं तो एपिथेलियम डैमेज होते हैं ना जी आई टी, तो इससे आप इंजरी हो सकती है, तो काफी डिजीज हो सकती है, तो लिहाजा हमारा न्यू ईयर रेवोल्यूशन चल रहा है कि नहीं तुम्हें होता कोई अल्सर वगैरह और फिजिकल डिजीज नहीं होती। ओके भाई हम अगर जल्दी चाय पियेंगे तो हमारा गाइस न्यू ईयर रेवोल्यूशन खराब हो जाएगा। यार पी चलना यार, उस वो उधर खड़ा रहेगा परेशान होने लग जाएगा। भाई आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दे हमें। हाँ वो कहेंगे जी मैं वहाँ पे गया, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैं इधर गया, मैं इधर पकड़ा गया, मैंने ये कर लिया, मेरे फलाने ने ये कहा, मेरे चाचू ने से किया, मेरे मामू ने से किया, वो बात समय आज रात को ये सुनने को, आज रात के बल्कि पूरा सेमेस्टर सुनने को मिलेगा। तो और कुछ बताना चाहिए अल्लाह हमें माफ करे और उसके शर से बचाए। ओहो बस ये देखें यार, वैसे दुनिया आपको कितना शरीफ समझती है, आप जरा भर जरा भरी पति बराबर भी आप शरीफ नहीं है, इनके जो शराफत ना होना लिखी कर रहे वो आवाम के राज पोश कर रहे हो। अच्छी बात हम लोग ना एयरपोर्ट पे आ गए हैं, अब्दुल्ला भाई की फ्लाइट अभी तक नहीं पहुंची, जैसे अब्दुल्ला साहब की कटिंग चेक कर। कम
अभी अब्दुल्ला भाई आ गए, अपने ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं। अभी हम इसके वेलकम पार्टी बताए किस तरह कर रहे हैं। तो वेलकम पार्टी हम इसकी कर रहे हैं, वो कपड़े कपड़े धोए गए अब्दुल्ला साहब, और बर्तन कपड़े तो हम खुद अपने अपने धोते हैं। गाइस ये देखिए, ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है अब्दुल्ला, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। हाँ तो लगा लेने से क्या। हाँ ये देख, चलो कोई नहीं मैं चला लूंगा। अब्दुल्ला साहब पहुंच जा रहे हैं, तो अब्दुल्ला साहब अभी अपनी चीजें संभाल रहे हैं, हमारी चीजों को हमें अभी सुबह देंगे, अभी तू रेस्ट कर लेना। नहीं मैं कोई एनर्जेटिक हूं। अच्छा तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई सुबह के साथ, जिसमें हमारे साथ ये नमूना कि अब्दुल्ला ना कि बटेरा रखा हुआ है, बटेरा भी हमारे साथ होगा।